परिवारजनों, देश के विकास के लिए भी आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ हो, सशक्त हो। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, और इस गारंटी को साकार कर रहे हैं देश के कोने कोने में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की इस परिवर्तनकारी पहल में मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्पित भाव से योगदान कर रहा है। प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों के साथ साथ अब 17 सितंबर से सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे ये केंद्र बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत, लेकिन गुणवत्ता में अपने समकक्ष ब्रांड से बेहतर दवाइयां, सैनिटरी पैड और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे हजारों नागरिकों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की ये पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है। बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ लेती थी जो कि बहुत ही महंगी दरों पर प्राप्त होती थी मुझे। अब जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है, अब मैं वहाँ से गोली दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे उसमें काफी बचत हो रही है। इन केंद्रों के खुलने से बहुत ही आसानी हो गई है, हर आदमी को बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल्स, उससे हर कोई आम आदमी जो है वो बहुत ही कम रेट में मेडिकल सपोर्ट कर सकता है। जो हमें दवा बाजार में 8 से 10 हज़ार रुपए में मिलती है, और भारतीय जन औषधि केंद्र पे दवा में 500-700 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो पैसे की बचत होती है वो हमारे इलाज में दूसरी जगह काम आती है। इन केंद्रों पर शुरुआत में 300 से अधिक प्रकार की सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। आवश्यकता के अनुसार औषधि केंद्र विभिन्न प्रकार की 2000 दवाइयां मंगा सकेंगे, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के साथ ही जन औषधि केंद्र रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रदेश के साथ ही सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश बनाने की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। और अब हम निवेदन करेंगे चेयरमैन रेड क्रॉस डॉक्टर गगन जी, साथ ही में सचिव श्री रामेंद्र जी से, कि वे प्ले कार्ड भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी को, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आधारित प्ले कार्ड है। आज अनूठी सौगात पूरे मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारम्भ होने जा रहा है, और उससे पूर्व रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर गगन जी और श्री रामेंद्र जी एक प्ले कार्ड भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को और मुख्यमंत्री जी को। आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, साथ ही में मुख्यमंत्री जी से, कि वे निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि वे एक क्लिक के माध्यम से 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारम्भ करने की कृपा करें। आज ये अनूठी सौगातें पूरे मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही हैं। एक क्लिक के माध्यम से आज 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी बेहद अनुभवी माननीय नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, कि वे अपने तेजस्वी वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का।
मध्य प्रदेश के यशस्वी गवर्नर, मैं लगभग 90 से विधायक हूँ। मैंने इतना सक्रिय और इतना प्रवास करने वाला गवर्नर नहीं देखा, ऐसे बहुत ही एक्टिव और विशेषकर गरीब क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में फोकस करके प्रवास करने वाले यशस्वी महामहिम राज्यपाल मंगू भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो गरिमामय कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर है, और हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश नंबर वन पर आए, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, प्रदेश के प्रभारी वीडी जी और हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व तो हमने लोकसभा की 29 सीटें तो जीती ही, पर अभी सदस्यता पर्व मन रहा है, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर वन पर आए, इसका हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी हमारे प्रभारी आदरणीय, बहुत ही यशस्वी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप, क्योंकि इतना सक्रिय हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं कार्यकर्ताओं के, कार्यकर्ताओं की एनर्जी 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे प्रभारी जी के लिए मेरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे सभी मंत्रीगण, राजेंद्र शुक्ला जी, विश्वास जी, हमारी बहन प्रतिभा जी, विजय शाह जी, हमारी बहन गौर बहन, हमारी नरेश जी, उपस्थित सभी विधायक सांसद जो मंच पर बैठे हुए, एक बार सबके लिए ताली बजा दीजिए आप। और अब ताली बजाइए हमारे सफाई मित्रों के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम सब के लिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं पर हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं। ऐसे स्वास्थ्य मित्रों के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। अब मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप भी तालियां बजाकर उनको शुभकामनाएं दें। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और ये बिल्कुल अटल सत्य है कि बिना जनभागीदारी के संभव नहीं है। मुझे याद आता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी राजनीतिक डायरी में प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा था कि प्रजातंत्र सफल जब ही हो सकता है जब मतदाता मतदान करने के बाद 5 साल घर नहीं बैठे, बल्कि मतदाता संघ बनाए या रहवासी संघ बनाए या अपने मोहल्ला समिति बनाए, उसके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों पर अपनी समस्या और सलाह दोनों दें, तब प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। मुझे याद आता है मैं 2000 में जब मेयर बना और हमने इसकी शुरुआत की रहवासी संघों की, मुझे कहते हुए गर्व है कि इंदौर को एशिया में सम्मान दे रहे हैं।